हेलो भाई, मैं हूँ मुनीम कुमार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बहुत टाइम हो गया ना ऑफ रोडिंग देखे हुए और उसको एंजॉय करे हुए भी। लास्ट टाइम आए थे 26 जनवरी की तरफ, भाई रिपब्लिक डे मना रहे थे उस दिन आए थे अपने वो ऑफ रोडिंग देखने और मजा लेने। आज भाई बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से ऑफ रोडिंग करने आए हैं, ऑफ रोडिंग को एंजॉय करेंगे। कौन सी गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है इस सब पे बात करेंगे। स्टॉक जिमनी, मॉडिफाइड जिमनी, लॉकर के साथ जिमनी, थार, तो इस सब पे आज देखेंगे। हाईलैक्स लगभग आपको सारी गाड़ियां देखने के लिए मिलेंगी, तो इसी सब पे बात करेंगे। ये है किसके द्वारा? तो भाई DCV एक्सपेडिशन दिनेश सर के द्वारा कराया जा रहा है, वहीं पर आज हम लोग आए हुए हैं। तो प्लीज़ अब आप आगे वीडियो में ऑफ रोडिंग को एंजॉय कीजिए और देखिए अलग अलग कार आपको कैसा परफॉर्म करके देती है, जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। आप जब भी कोई नई कार लेने जाएंगे तो भाई कैसा परफॉर्म कर रही है, किस बजट में आपको कैसी कार देखने के लिए मिल रही है, वहाँ पर ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। इसका लाइनअप है कुछ इस तरह से, थार, जिमनी और काफ़ी सारी कार इधर परफॉर्म भी कर रही है, इसीलिए देखेंगे उधर खड़ी हुई नहीं है। बाकी ये जो जिमनी खड़ी हुई ना भाई लॉकर के साथ है, गजब क्रॉल कर रही है। कितने भी धीमे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस कार पे। और जिप्सी को भी दिखा देता हूँ भाई, जिमनी तो देखेंगे, जिप्सी देखिए भाई। ये भाई ये तो हीरा गाड़ी है, हीरा गाड़ी जिप्सी, मतलब इसके तो कुछ कहने ही नहीं है। बाकी इधर आप देखिए थार वार ये सब है, अभी आपको लाइनअप देखने के लिए मिल जाएगा आगे जैसे जैसे आपको ऑफ रोडिंग देखेंगे। आधी कार जा चुकी हैं क्योंकि इधर बो रही है अपनी, जैसे एन कर रही है, यहाँ पे आ गई अपनी ये जिमनी आ गई है, उधर फॉर्चूनर, एंडेवर, फॉर्चूनर, इधर देखेंगे हाईलैक्स एक खड़ी हुई है तो दिनेश सर की खड़ी हुई है। बाकी एक हाईलैक्स ने भी परफॉर्म किया है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। स्लो एज पॉसिबल, क्रॉलिंग करनी है, क्रॉलिंग भाई स्टार्ट ही है, आवाज ही नहीं है। ऑटोमेटिक सर ये थोड़ा ज्यादा स्टीप है, पिछली बार ये काफी था यहाँ पर। ऐसा पता भी नहीं चला जिमनी को, हल्की है ना यार, हल्की लाइट वेट है, इसीलिए इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एक और जिमनी, कर सकते हैं, अटक जाएगी क्या करेगा, चढ़ेगी मैं जिमनी के लिए ही जीता बस। सर ने सेटअप कितना सही कर रखा है फोन का, भाई मूवमेंट के बाद भी इसके घोड़े खुल गए। भी कर जाएंगे जैसे, इसके टायर तो भाई नहीं लग रहे हैं करने के हालात में। कर गई भाई बहुत सही से चली गई। ये मॉडिफाइड है, कितना इजी भाई, थारी फेंकार दी है। नेक्स्ट ऑब्स्टेकल लिए अब, ट्रक कैसा
ऊपर गाड़ी लगा दो करके देख लेंगे। डेड ब्रेक मत मारना, हल्का छोड़ के लगा लो। ओह तब तो कुछ है ही नहीं, बैक में चढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। थार का उस दर तो थार ने कर दिया सब गड़बड़ हो गया। अब जिमनी के चढ़ने की बात हुई। वे स्टॉक नहीं दिया, वे स्टॉक जिमनी देखेंगे हम लोग। स्टॉक जिमनी चढ़ दी, डिफरेंस देखते हैं स्टॉक में और उसमें क्या है। चढ़ गई स्टॉक में, अब चढ़ेगी रिवर्स जिमनी पीछे से। ये चढ़ जाएगी वैसे भी, इसमें लॉकर्स हैं। स्टॉक को दिक्कत होगी रिवर्स में, ये चढ़ जाएगी आराम से। भाई इसके लिए कुछ नहीं है, मैनुअल है सर आपकी, ऑटोमेटिक है। आपके 18 इंच होंगे ना इसके, 17 इंच होंगे इसमें और थोड़ी कम। हाँ मेन दिक्कत इसका डीएफ टैंक है। नहीं जा भाई, ओ भाई जा रहे तो चढ़ नहीं पाई थी उस टाइम पे क्रॉल करते हुए। अब देखते मोमेंटम में तो चली जाएगी भाई। इस तार ने लगा दिया, तार का नाम खराब कर दिया इस तार ने। ओहो पीछे बच्ची साइड में, ये तार पहले भी नहीं कर पाई थी जबकि इसके टायर्स भी मॉडिफाई हैं। ड्राइवर का बहुत बड़ा फर्क होता है भाई। ओ भाई साहब शायद इसका 4x4 चल ही नहीं रहा है। हाँ फ्रंट टायर घूम ही नहीं रहे हैं। फोर बाई फोर चल ही नहीं रहा भाई इसका, इसीलिए दिक्कत हो रही है भाई। 4x2 में कर रही है वो सब काम भाई, ये तो रिवर्स भी नहीं जा रही। अरे भाई ये तो बैक भी नहीं जा रही, ये तो गजब फंसी भाई। गाड़ी को इनका दिल टूट गया भाई, मानेगी ये। चल गई चल गई चल गई, हो गई बैक भाई। गजब सीन है यार, संडे को बंदा सोच क्या और 4x4 ही ना चले। भाई आगे का काफिला एन और पीछे एंडेवर, एंडेवर के लिए तो कुछ नहीं है, बहुत आराम से जाएगी।
स्कॉर्पियो एन भी चढ़ जाएगी, मैनुअल चढ़ गई तो ऑटोमेटिक तो पक्का चढ़ेगी। भाई साहब पीछे आ रहा है ट्रक तो। हाइलैक्स पूरी मॉडिफाइड भाई, चीता है। ये तो आराम से जाएगी, बहुत आराम से जाएगी। देखिए नहीं मोमेंटम नहीं था, गई बहुत सही भाई। नाउ द एंडेवर, ये तो फोर्ड एंडेवर है, ऑल टाइम 4x4 भाई, ऑल ग्रिप, हमेशा चारों पहिए घूमते हैं इसके तो। भाई एंडेवर बहुत आराम से चढ़ना चाहिए इसे तो। एंडेवर 500 न्यूटन का टॉर्क है, 500 न्यूटन मीटर इसमें। नाउ द हाइलैक्स, भाई है ट्रक लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल अचड़ गई भाई। फॉर्चूनर का टाइम, अब फॉर्चूनर जाती हुई देखते हैं ये क्या कर पाती है। भाई टायर्स भी मॉडिफाई हैं, लिफ्टेड सी लग रही है। आयरन मैन बहुत आराम से जाएगी देखना, इसे कुछ नहीं होगा। इसका शार्क फिन तो जा चुका है ऊपर से एंटीना। भाई पूरा ट्रक ही है इसकी आवाज, लेकिन ये एक साथ शॉटल दिया इन्होंने। इतनी तो तेज है भी नहीं, पूरी तरह से मॉडिफाइड है भाई ये गाड़ी, पुरानी वाली है इसके अलॉय भी ध्यान दो। ओहो भाई हल्का सा स्ट्रगल किया, चढ़ गई आ गई अब तो। ये पेट्रोल ऑटोमेटिक थार, इसका 4x4 चल रहा हो शायद तो देखते हैं, अभी तक थार पता नहीं चला, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हम। अब देखते हैं थार कैसा परफॉर्म कर रही है। भाई बहुत इजी है थार के लिए, वो तो 4x4 नहीं चल रहा था उसका। भाई कुछ नहीं, अब बीच में रोक के फिर बढ़ाना है, बीच में स्टॉप करना है हाइट पर जाके, फिर वहाँ से क्रॉल करते हुए ऊपर बढ़ाना है। बीच में रुकना देन मूव करना, बस दैट्स इट। लेकिन देखते हैं कितना इजी है ये। भाई जिमनी कर ले जाएगी, जिमनी आराम से कर ले जाएगी। रुक गया, आप रुको अब चलो। ये बड़े जिमनी है भाई, जिमनी, इसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। जिमनी तो बहुत इजीली कर ले गई बीच में रुक के। अब नाउ द टर्न एन, एन कैसा परफॉर्म करती है। बहुत इजी भाई, इसके लिए भी ऑटोमेटिक है, बहुत आराम से कर जाएगी, बहुत कैपेबल गाड़ी है, बहुत कैपेबल। एलेक्स नेक्स्ट ऑब्स्टेकल पे,
कुछ पता नहीं चलने वाला इसको, बहुत इजी है इसके लिए ये सारी चीज़ें। ट्रक है ट्रक भाई ये, और स्टॉक के साथ है ये। बहुत इजीली है भाई, इसके लिए कोई मतलब ही नहीं है इनसे। चलिए भाई, तो आपने देखा किस तरह से ऑफ रोडिंग हुई, मज़ा आया, आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा, काफ़ी हेल्प भी मिली होगी आपको इन सब चीज़ों से। चलिए तो वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, कौन सी गाड़ी आपको पसंद आई, प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो कुछ इस तरह से थी वीडियो पसंद आई हो, कार पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।